हैं दुनिया के अजीबोगरीब म्यूजियम, प्राइवेट पार्ट्स से लेकर कंडोम तक सब कुछ है यहाँ। आप सभी बचपन में किसी न किसी म्यूजियम की सैर पर तो गए ही होंगे। आमतौर पर म्यूजियम या संग्रहालय कहने पर जो पहली छवि हमारे दिमाग में बनती है वो कुछ पुरानी और अनमोल चीजों का विस्तृत संग्रह है। पुरानी रियासतों और राजाओं से जुड़ी अनोखी चीजों से लेकर धरती पर मानव के शुरुआती निशानों तक सब कुछ इन म्यूजियम्स में देखा जा सकता है। यदि आप इतिहास में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो फिर म्यूजियम से बेहतर जगह आपके लिए कोई और नहीं है। जनाब, इतिहास से जुड़ी इन चीजों के संग्रह में कोई पाबंदी तो है नहीं, तभी तो जिसके मन में जो आया उसका म्यूजियम बनाने में जुट गया। और तो और ऐसे लोगों के म्यूजियम प्रेम के नतीजे में कुछ ऐसे म्यूजियम तैयार होकर खड़े हो गए जिनके बारे में सुनकर आपको भी लगेगा कि भाई इन्हें जोड़कर रखने की क्या जरूरत थी। आइए इन संग्रहालयों पर एक नजर डाल ही लेते हैं। सुलभ अंतर्राष्ट्रीय शौचालय संग्रहालय, दिल्ली, भारत। इस म्यूजियम को देखने के लिए आपको ज्यादा दूर नहीं जाना होगा, ये तो अपने देश में ही मौजूद है। दिल्ली में स्थित सुलभ इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ टॉयलेट समेत आपको अलग अलग तरह के कई टॉयलेट पखाने देखने को मिल जाएंगे। इस म्यूजियम में आपको टॉयलेट का पूरा इतिहास दिखाई देगा। सन 1992 से चल रहा है ये म्यूजियम। इस अनोखे म्यूजियम की स्थापना साल 1992 में डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक द्वारा की गई थी। डॉक्टर पाठक एक जाने माने समाज सेवी व सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं। इन्हें साल 2009 में प्रतिष्ठित स्टोक होम वाटर प्राइज से भी नवाजा जा चुका है। अब जब भी आप दिल्ली जाएं तो इस अनोखे म्यूजियम की सैर करना मत भूलिएगा। आइसलैंडिक औषधि संग्रहालय, रिकजाविक, आइसलैंड। ये बेहद अजीब म्यूजियम आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक में स्थित है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिंग टेनिस का म्यूजियम है। यहाँ 93 अलग अलग जानवरों की 280 प्रजातियों के लिंग संग्रहित करके रखे गए हैं। इसमें 55 लिंग बघेल के, 36 सील के और 118 लिंग जमीनी जानवरों के हैं। इंसानी लिंग भी हैं मौजूद। जुलाई 2011 में इस अनोखे म्यूजियम को पहला मानव लिंग संग्रहित करने के लिए मिला। ये लिंग डोनर के द्वारा अपनी इच्छा से दान में दिया गया था। डोनर की मौत के बाद उसके शरीर से लिंग को अलग कर टूरमालिन से भरे जार में रखकर इस म्यूजियम का हिस्सा बना दिया गया। म्यूजियम ऑफ पेरिस, पेरिस, फ्रांस। पेरिस का ये म्यूजियम युवाओं के बीच खासा लोकप्रिय है। हो भी क्यों नहीं, फेमस टीवी शो द वैम्पायर डायरीज का असर ही ऐसा है कि युवाओं के बीच वैम्पायर बनने की एक अलग ही फैंटेसी पैदा हो गई है। यदि आप भी वैम्पायर जगत में दिलचस्पी रखते हैं तो इस म्यूजियम का एक चक्कर तो आपको लगा ही लेना चाहिए। पेरिस के इतिहास की एक अलग ही झलक दिखती है इस म्यूजियम में। इस म्यूजियम में जाने वालों को पेरिस शहर के प्राचीन इतिहास का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। यहाँ आप वैम्पायर्स का समर्थन करते हुए कई पुराने दस्तावेज, वैम्पायरिक प्रथाओं को निभाने वाले पुराने कब्रिस्तानों व इस रहस्यमय थ्योरी से जुड़ी अन्य दिलचस्प बातें जानकर रोमांचित हो उठेंगे। कंडोम संग्रहालय, नौनथबुरी, थाईलैंड। अनोखे म्यूजियम्स की लिस्ट में थाईलैंड के इस म्यूजियम का नाम न आए ये तो मुमकिन नहीं है। ये म्यूजियम अपने आप में ही काफी अनोखा है। थाईलैंड दुनिया का सबसे बड़ा कंडोम निर्माता देश है। ऐसे में अपनी इस खासियत और इस रास्ते में तय किए गए सफर को दुनिया के सामने लाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था। तरह तरह के कंडोम्स के अलावा और भी बहुत कुछ है यहाँ। इस म्यूजियम के अंदर जाते ही आपको हर जगह कंडोम ही नजर आने वाले हैं। साथ ही यहाँ की दीवारों में भी आपको कंडोम के कई पुराने विज्ञापनों का मेला लगा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा यहाँ कंडोम बनाने से लेकर उसकी टेस्टिंग तक में इस्तेमाल होने वाले टूल्स भी आपको नजर आएंगे। तो ये थे दुनिया भर के सबसे अजीब म्यूजियम। यदि आपको कभी भी इनमें से कोई म्यूजियम जाने का मौका मिले तो छोड़िएगा मत। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।